नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा धीरभयाना, कंसल्टेंट सोनाक्षी आईवीएफ हिसार। आज हम बात करेंगे आईवीएफ से रिलेटेड मिथ्याओं के बारे में या मिथकों के बारे में जो अभी भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। आईवीएफ क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं कि आईवीएफ क्या है। आईवीएफ बेसिकली एक आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए भ्रूण बनाकर गर्भाशय के अंदर रखा जाता है। औरत को कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शंस का मतलब होता है कि अंडाशय को अंडे बनाने के लिए या एग्स बनाने के लिए प्रेरित करना। जब अंडाशय से अंडे बन जाते हैं उस टाइम पे इन अंडों को बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकाल के एक एक अंडे को शुक्राणु के साथ मिला दिया जाता है और उसके बाद जो भी गर्भ बनता है उसे गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर कर लिया जाता है। यह टेक्निक आईवीएफ कहलाई जाती है। अब भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो लगभग 27 मिलियन कपल ऐसे हैं जिनको इनफर्टिलिटी या निसंतानता की दिक्कत है और इनमें से कुछ परसेंट ऐसे कपल्स भी होते हैं जिन्हें आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की सलाह दी जाती है। बट आज भी बहुत सारे कारणों के कारण, बहुत सारे मिथकों के चलते हुए ये कपल्स आईवीएफ कराने में या टेस्ट ट्यूब बेबी कराने में आगे नहीं आते हैं, झिझकते हैं इस ट्रीटमेंट से। झिझक का कारण मिथ्याएं, और वो मिथ्याएं आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या हैं और एक्चुअल में सच है ये बात कि नहीं है। सबसे पहली मिथ जो आम तौर पर किसी भी कपल या स्पेशली औरत में रहती है कि आईवीएफ का प्रोसीजर बहुत ही पेनफुल होता है। ऐसा कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि लगभग ये लगाकर चले कि अभी जो टेक्निक से आईवीएफ किया जाता है इट इज जस्ट अ पेनलेस काइंड ऑफ थिंग। अभी के जो भी प्रोसीजर्स हैं या अभी के जो भी टेक्नोलॉजी है बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली है। जैसा मैंने बताया, इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल बारीक नीडल होती है। बारीक नीडल का आपको पता भी नहीं चलता है कि कितने इंजेक्शन या कैसे आपको लग रहे हैं। 9 से 10 दिन के इंजेक्शन जाते हैं, उसके बाद जब भी अंडे तैयार हो जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। दूसरा स्टेज पेन का, जिसमें शायद आपको लगे कि पेन होगा, वो अंडे बाहर निकलने की प्रक्रिया में हो सकता है, बट ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडे जब भी हम बाहर निकालते हैं तो उसे पूर्ण बेहोशी में या एनेस्थीसिया में निकाला जाता है, तो आपको दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। तीसरा स्टेज आईवीएफ का रहता है जब हमने ट्रांसफर करना है गर्भ को। ट्रांसफर माने गर्भ को वापस गर्भाशय के अंदर डाल देना। ट्रांसफर का प्रोसीजर भी एकदम सरल है, आमतौर पर बेहोशी की जरूरत भी नहीं पड़ती है इस प्रोसीजर में। और उसके बाद आईवीएफ में पहले की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली पेशेंट्स को लंबे टाइम के लिए इंजेक्शन दिए जाते थे गर्भ स्थापित करने के लिए या प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। बट आजकल अगर हम देखें तो वेजाइनल टैबलेट्स माने वेजाइना में रखने वाली गोलियां या कुछ खाने वाली गोलियों से काम चलता है और इंजेक्शन की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो पहला मिथ जो हम बात कर रहे थे कि पेनफुल है, इट इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल। दूसरा मिथ लोगों में ये रहता है कि सपोज मेरे पास कोई पेशेंट आया और मैंने आईवीएफ सजेस्ट किया, अगर पेशेंट यंग है तो सबसे पहली धारणा होती है कि मैं अभी छोटी हूँ या हमारी उम्र अभी छोटी है, हम ट्रीटमेंट क्यों कराएं, आईवीएफ की हमें ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का खंडन मैं यह कहकर करूँगी कि आईवीएफ अगर हम किसी को या टेस्ट ट्यूब बेबी अगर हम किसी को बोलते हैं तो वह इंडिकेशन या कारण क्या है यह जानकर बताया जाता है। पेशेंट की उम्र जानकर कभी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं किया जाता कि इसको आईवीएफ कराना है। अब आईवीएफ में अगर आपको किसी कारण से आईवीएफ बताया जा रहा है या टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की सलाह दी जा रही है तो वो इंडिकेशन आज भी सेम है और हो सकता है 5 साल 6 साल 10 साल के बाद भी सेम रहे। पर फर्क क्या पड़ेगा अगर आप लेट कराएंगे तो या अगर आप टाइम देकर कराएंगे। औरत की अगर हम बात करें तो औरत में जो भी अंडाशय रहती है उसमें अंडों की मात्रा फिक्स्ड रहती है बचपन से लेकर, और जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंडों की मात्रा कम होती जाती है। 35-37 साल के बाद ये अंडों की मात्रा इतनी कम हो जाती है और क्वालिटी वाइज भी इतना दिक्कत में आता है कि कई बार अंडे लेने में हम लोग औरत के असमर्थ हो जाते हैं। जितनी कम उम्र में हम आईवीएफ कर रहे हैं उतना बेटर रिजल्ट हमें मिलता है, क्योंकि कम उम्र में अंडों की मात्रा तथा अंडों की गुणवत्ता दोनों अच्छा रहता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के चांसेस अधिकतम आते हैं। तो ये सोचना कि अभी हमारी उम्र आईवीएफ की नहीं है बिल्कुल गलत है। अगर आईवीएफ की इंडिकेशन आपकी कोई है करने की तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी मिथ्या जो लोगों में रहती है वो यह है कि बहुत ही लंबा प्रोसीजर है आईवीएफ का, बहुत लंबे टाइम के लिए इंजेक्शन लेने पड़ेंगे और पता नहीं कितना ट्रीटमेंट टाइम लग जाएगा हमें। ऐसा भी नहीं है। आईवीएफ का साइकिल, आजकल जो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल हम इसे बोलते हैं, एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल में आपका
सेकेंड डे से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, सेकेंड या थर्ड डे से आपका एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड किया जाता है, 9-10 दिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, 11वें-12वें दिन पे आपके अंडों को बाहर निकाल लिया जाता है और लगभग 15-17 दिन में इन गर्भ को वापस डाल दिया जाता है। गर्भ वापस डालने के बाद वेटिंग पीरियड रहता है 12-15 दिन का, जिसमें आपको प्रेगनेंसी का रिपोर्ट पता चलता है। पहले जो IVF रहता था उसमें इंजेक्शन जल्दी शुरू किए जाते थे, लगभग पिछले महीने के 21वें दिन से इंजेक्शन शुरू कर दिए जाते थे, तो लंबा प्रोटोकॉल चला करता था। और बहुत बार IVF बैचेस में होने के कारण ये इंजेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी चलाई जाती थी। बट ऑनगोइंग साइकिल्स जब कर रहे हो, माने ऐसे सेंटर पे जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा हो जहाँ पे डेली का काम हो रहा है, उसमें आपको इतने लंबे टाइम के लिए दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ इनिशियल चेकअप्स के बाद सेकेंड या थर्ड डे से आपके पीरियड के हिसाब से आपका IVF स्टार्ट किया जा सकता है। तो IVF में ट्रीटमेंट एज सच, अगर हम साइकिल लेंथ की बात करें, तो लगभग 15-17 दिन में आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फिनिश ऑफ हो जाता है। एक बहुत बड़ी मिथ्या जो लोगों को रहती है वो यह है कि IVF कराने के बाद या टेस्ट ट्यूब बेबी कराने के बाद मेरे को एकदम बेड पे लेटना रहेगा, मेरे को वहाँ से हिलना नहीं रहेगा। तो पेशेंट्स के मन में यह वहम होता है कि हम 9 महीने कैसे बिताएंगे। यह बिल्कुल गलत है कि आपको पूरा टाइम बेड पे ही लेटना है। बहुत सारे पेशेंट्स करवट लेने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में दिक्कत महसूस करते हैं या साइकोलॉजिकली नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इस डर से कि शायद भ्रूण जो हमने अंदर रखा है वो नीचे गिर जाएगा। ऐसा भी नहीं है। IVF प्रेगनेंसी इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। जिस तरह से नॉर्मल प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का कामकाज औरतें कर सकती हैं, IVF में भी वैसा ही सब है। IVF में आप अपना रूटीन का काम कर सकते हैं। मेन परहेज जो आपको बताया जाता है वो यह है कि आप भारी काम ना करें, वजन वाला काम ना करें या पेट की कोई कसरत नहीं करें। घर का हल्का फुल्का काम करने में, चलने फिरने में, उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई भी रूटीन तौर पर रोक टोक नहीं लगाई जाती है। और अगर हम क्लिनिकली भी देखें तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं ऐसी जिनमें देखा गया है कि एक अगर हम 100 पेशेंट्स का ग्रुप लें और उनमें से आधे पेशेंट्स को एब्सोल्यूट बेड रेस्ट के ऊपर डाल दें और आधे पेशेंट्स को हम बोलें कि आप एक्टिव रहिए, तो प्रेगनेंसी के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, बल्कि एक्टिव रहने वाले ग्रुप में रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया देखे जाते हैं। तो आपको अगर यह चिंता है कि 9 महीने आपको कोई ना कोई चाहिए साथ में ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसी भी साथ की आपको जरूरत नहीं है। रूटीन प्रेगनेंसी की तरह आप अपनी प्रेगनेंसी लेकर आगे चल सकते हैं। अब एक अगर कामकाजी महिला IVF करा रही है या टेस्ट ट्यूब बेबी करा रही है, तो सबसे बड़ी समस्या उसके लिए क्या है, मेरी जॉब का क्या है। बहुत बार मिथ्याओं के चलते हुए जॉब्स लोगों को छोड़नी पड़ती हैं, औरतें घर पर बैठ जाती हैं सिर्फ एक IVF कराया है इस कारण से। जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फीमेल अगर वर्किंग फीमेल है तो अपना जॉब, इन केस वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको भारी काम उसमें नहीं करना पड़ रहा है, तो वो जॉब अपना कंटिन्यू कर सकती है बिना किसी हिचक के। तो कामकाजी महिलाएं परेशान नहीं हों IVF से सिर्फ यह सोच के कि जॉब अपना नहीं छोड़ना चाह रही हैं। यू कैन ऑलवेज कंटिन्यू विद योर जॉब विद योर प्रेगनेंसी आफ्टर IVF। अब बहुत बड़ी मिथ्या एक और प्रचलित है, गांव के लोग अक्सर आते हैं तो उनका सवाल सबसे पहले यही होता है कि क्या जी ये मेरा बच्चा होगा। ऑफ कोर्स ये आपका बच्चा होएगा, इन केस आपके शुक्राणु और आपके अंडे के साथ हमने IVF प्लान किया हुआ है। IVF डिफरेंट टेक्निक से किया जा सकता है, औरत के खुद के अंडे, आदमी उसके हस्बैंड के शुक्राणु, या फिर औरत के अगर हम अंडे रिप्लेस कर रहे हैं या डोनर एग ले रहे हैं और साथ में आदमी के शुक्राणु ले रहे हैं। बट जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है वो हस्बैंड और वाइफ को फुल्ली एक्सप्लेन करके किया जाता है कि उनको यह ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों है, और जब तक वो लोग इस चीज़ के लिए रजामंद नहीं होते हैं तब तक कोई भी चीज़ ऑल्टर नहीं की जाती है। माने अगर आपके खुद के अंडे और खुद के शुक्राणु के साथ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो बी श्योर कि आपका खुद का अंडा और खुद का शुक्राणु ही रहेगा और आपका जो बच्चा रहेगा वो आपका खुद का बच्चा ही होगा। तो ये मिथ्या मन से निकाल दीजिए कि IVF में किसी और के गर्भ आपके अंदर डाल दिए जाएंगे बिना आपकी परमिशन या बिना आपकी आज्ञा के। और IVF से होने वाले बच्चे उतने ही नॉर्मल होते हैं जितने कि आमतौर पर बच्चे होते हैं। यह मिथ्या गलत है कि IVF से होने वाले बच्चे पता नहीं कैसे दिखते होंगे। IVF से होने वाले बच्चे उतने ही नॉर्मल दिखते हैं जितने कि एक रूटीन प्रेगनेंसी के बच्चे। बहुत सारी औरतों को ये डर रहता है कि IVF में अगर हमारे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे लग गए तो। आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारे सेंटर्स पर 3-4 गर्भ इकट्ठे डाले जाते हैं। अगर 3 या 4 गर्भ इकट्ठे डाले जा रहे हैं तो ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स के चांसेस, क्वाड्रुपलेट्स माने 4 बच्चे इकट्ठे हो जाना, ट्रिपलेट्स माने 3 बच्चे इकट्ठे हो जाना, इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा डेफिनेटली हैं।
बट हम लोग सोनाक्षी में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 गर्भ रखे जाते हैं, या फिर अगर पेशेंट डिमांड करे तो सिंगल गर्भ भी रखा जाता है। 2 गर्भ रखने का मतलब मैक्सिमम चांसेस ट्विनिंग के या ट्विन प्रेगनेंसी के रहेंगे, अगर सिंगल गर्भ रख रहे हैं तो उसमें सिंगल प्रेगनेंसी रहेगी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्विन प्रेगनेंसी और सिंगल प्रेगनेंसी सेफ इनफ ट्रिपलेट्स में या क्वाड्रुप्लेट्स में, माने 3 या 4 गर्भ अगर इकट्ठे हो जाएं उनमें बहुत बार आगे चल के प्री टर्म या टाइम से पहले डिलीवरी का खतरा रहता है, और कई बार बच्चे को पेट में ख़त्म भी करना पड़ता है ताकि 2 बच्चे या 1 बच्चा आगे चले। ट्विंस अगर आपके हैं तो बहुत बार प्रेगनेंसीज अनकॉम्प्लिकेटेड निकल जाती हैं बहुत सारे पेशेंट्स में। IVF में एक और धारणा पेशेंट्स की रहती है, प्रेगनेंसी होते ही लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है कि क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिर्फ सिजेरियन से ही बच्चा हो पाएगा। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, ये आपके बच्चों की पोजीशन और आपकी ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन, माने एंड तक चलते चलते आपकी कंडीशन और बच्चों की कंडीशन क्या है इसके ऊपर निर्भर करता है। IVF प्रेगनेंसी पर से इज़ नॉट एन इंडिकेशन कि आपका 100% सिजेरियन हो जाए, बट हाँ, बहुत सारे कपल्स सिजेरियन के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, इसीलिए उनके लिए प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है। बट अगर कोई पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहे और कंडीशंस ऐसी हो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप जा सकते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अगर आपके लिए कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपका सिजेरियन करना पड़ेगा, तो उसमें आपको सिजेरियन के लिए ऑप्ट करना ही रहेगा, वो चाहे नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या IVF प्रेगनेंसी हो। तो IVF प्रेगनेंसी में 100% सिजेरियन कतई नहीं है, आप अपनी मर्जी से अगर चाहें तो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी मेडिकल कंडीशन और ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन इस चीज़ को अलाउ करें। सो जितनी भी मिथ्याएं हैं, आई थिंक वो सारी गलत हैं। IVF का ट्रीटमेंट अगर आपको किसी ने बताया है या आपको किसी ने टेस्ट ट्यूब भी कराने के लिए कहा गया है, तो इन मिथ्याओं को अगर आप मानते हैं तो कृपया इनको दूर करके अपने ट्रीटमेंट के लिए जल्द से जल्द प्रोसीड करें। थैंक यू।